नमस्कार दोस्तों, मैं फरीद मंसूरी स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड फरीद में। दोस्तों, ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा ग्राम पंचायतों में जो आयुष्मान कार्ड बनाए गए थे, वो आयुष्मान कार्ड पीवीसी कार्ड बनकर अब पंचायतों में आ चुके हैं। अब उनकी ई केवाईसी करके हमको आयुष्मान कार्ड धारकों को उनको डिलीवर करने हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम वही जानने वाले हैं कि आप किस प्रकार से मोबाइल ऐप के माध्यम से ई केवाईसी करके वो आयुष्मान कार्ड डिलीवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें, सब्सक्राइब कीजिए मास्टरमाइंड फरीद को और बेल आइकन दबाइए, ऑल कीजिए, उसी से आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आयुष्मान कार्ड डिलीवर करने की ऐप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है PMJAY और सर्च के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आयुष्मान भारत PMJAY की ऐप डिस्प्ले होने लग जाएगी। सिंपली आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले से डाउनलोड की हुई है, तो मैं सिंपली इसको ओपन के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर जिस मोबाइल नंबर से आपने आयुष्मान कार्ड बनाए हैं वो मोबाइल नंबर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे लोकेशन आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे यह प्राइवेसी पॉलिसी आ रही है, सिंपली इसको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको लॉगिन का बटन दिख रहा है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों, आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, तो मैं इसको इंग्लिश ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से दोस्तों लॉगिन है, इसमें आपको बेनिफिशियरी नहीं करना है। सिंपली यहाँ से आपको ऑपरेटर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जिस मोबाइल नंबर से आपने आयुष्मान कार्ड बनाया है वो यहाँ पर डालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, आपके मोबाइल के ऊपर एक OTP जाएगा, वो सिंपली आपको इसमें एंटर कर देना है। मेरे पास OTP आ गया है, मैं इसमें एंटर कर देता हूँ और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 4 डिजिट का लॉक सेट करना पड़ेगा, उस लॉक से आपकी ऐप ओपन होगी। तो मैं सिंपली यहाँ पर सेट कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी ऐप ओपन हो गई है। अब सिंपली आपको यहाँ पे कार्ड डिलीवरी के अंदर जाना है। यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा स्टेट है, जो भी आपका स्टेट हो। उसके बाद यहाँ पे ID टाइप में PMJAY ID, यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ID, सिंपली आपको सिलेक्ट कर लेनी है। यह ID आपको आयुष्मान कार्ड के ऊपर देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आपको सिंपली देख के इसमें टाइप कर देना है और गेट डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, आप परिवार के किसी एक सदस्य की यहाँ पे PMJAY ID डालेंगे तो उस परिवार में जितने भी सदस्यों के आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं सबकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब जिस सदस्य को आप परिवार के सभी कार्ड दे रहे हैं, सिंपली उसके ऊपर सेल्फ के ऊपर क्लिक कर लेना है और बाकी सभी सदस्यों को फैमिली सिलेक्ट कर लेना है। यानी कि आप परिवार के किसी एक सदस्य को परिवार के सभी सदस्यों के आयुष्मान कार्ड दे सकते हैं। अब सिंपली आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर लेना है। सबमिट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो जिस व्यक्ति को आप आयुष्मान कार्ड दे रहे हो उसका आधार कार्ड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन टाइप में फेस और फिंगर ऑथेंटिकेशन आ रहा है। फेस यानी कि आप उसका फ़ोटो खींच के उसको आयुष्मान कार्ड डिलीवर कर सकते हो, या फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करने के बाद आपकी बायोमेट्रिक डिवाइस मोबाइल से कनेक्ट होनी चाहिए। फिंगरप्रिंट कैप्चर करने के बाद सिंपली आपको उस व्यक्ति का फ़ोटो भी खींचना पड़ेगा। वो फ़ोटो खींचने के बाद आप आयुष्मान कार्ड व्यक्ति को दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आयुष्मान कार्ड EKYC करके डिलीवर करने की पूरी प्रोसेस। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों लाइक कीजिए। आपकी कोई समस्या है, सुझाव है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद।